हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दीजिए, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अशरफ गनी को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों धोखेबाज कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। बताएंगे पूरी बात क्या कही है दोस्तों उन्होंने। और एक समय था जब अफगानी शांति वार्ता पर गनी की तारीफ किया था ट्रंप ने दोस्तों, और अब उनको बिल्कुल भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अशरफ गनी को लेकर। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर अब अशरफ गनी का यूएई से आया है अफगानिस्तान से कैश लेकर भागने पर बयान। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इन्होंने और क्यों भागे हैं, इसकी भी जानकारी दी है दोस्तों इन्होंने। बताएंगे क्या कहा इन्होंने दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर अब तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदल कर ये नाम रख दिया है दोस्तों। बताएंगे बड़ा ऐलान किया गया और क्या नाम रखा गया, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर अब तालिबानियों को लेकर राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है दोस्तों। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में तालिबान को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। साथ ही अपने देश के भी कुछ लोगों को लेकर कही है इन्होंने बात। तो हर तरह की खबर दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, साथ ही भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है और योगी जी ही होंगे 2022 में भी मुख्यमंत्री। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कभी अफगान शांति पर गनी की तारीफ करने वाले ट्रंप ने अब उन्हें बहुत बड़ा धोखेबाज बताया है दोस्तों। कहा, मुझे कभी नहीं रहा अशरफ गनी पर भरोसा। जी हां दोस्तों, अफगान की राजधानी काबुल में तालिबान के घुसने के ठीक बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने विमान में सवार होकर शरण के लिए यूएई चले गए। गनी के इस तरह देश छोड़ने के बाद जहां अफगानी नागरिकों ने इसे धोखेबाजी करार दिया है, तो वहीं अमेरिकी सरकार ने भी इसे कमजोर नेतृत्व करार दिया है दोस्तों। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अफगानिस्तान छोड़कर भागने के लिए अशरफ गनी पर हमला बोला है दोस्तों। ट्रंप ने गनी को धोखेबाज बताते हुए कहा है कि उन्हें अफगानिस्तान के इस पूर्व राष्ट्रपति पर कभी भी भरोसा नहीं रहा। जी हां दोस्तों, ट्रंप का यह बयान मंगलवार रात को फॉक्स न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू से आया है दोस्तों। दरअसल एंकर ने जब ट्रंप से उनके कार्यकाल के दौरान तालिबान से की गई बातचीत और अफगानी सरकार को लेकर सवाल पूछे थे, तो इस पर जवाब देते ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता था कि तालिबान जल्द से जल्द अफगानी सरकार से समझौता कर ले, लेकिन मुझे गनी पर कभी पूरा भरोसा नहीं रहा। मैंने ये पहले भी खुले तौर पर कहा था, मुझे वो पूरी तरह धोखेबाज लगता है और लगता था। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के इस बात का आप समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा लिखकर। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अब अशरफ गनी ने कैच लेकर भागने को लेकर बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। यूएई से उन्होंने कहा कि अगर मैं काबुल में रहता तो कत्लेआम मच जाता और पैसे लेकर भागने की बात को बेबुनियाद बताया है दोस्तों। आपको बता दें कि अशरफ गनी को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी है, इसकी पुष्टि खुद यूएई ने की है दोस्तों। तो वहीं न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक अशरफ गनी वतन वापसी के लिए बातचीत कर रहे हैं। गनी के ठिकाने का खुलासा होने के थोड़ी ही देर बाद गनी ने अफगानी लोगों के नाम संदेश जारी कर दिया। अफगानिस्तान के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अगर मैं काबुल में रहता तो कत्लेआम मच जाता, सुरक्षा कारणों की वजह से मुझे अफगानिस्तान से दूर रहना पड़ रहा है, जो मुझे नहीं जानते हैं वो फैसला ना सुनाएं, जो मुझे भगोड़ा कह रहे हैं उन्हें पूरी बात जान लेनी चाहिए। जी हां दोस्तों, उन्होंने साथ ही कहा कि तालिबान से बातचीत की कोशिश की थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैं शांति से सत्ता सौंपना चाहता था अफगानिस्तान छोड़कर। मैंने अपने मुल्क के लोगों को खूनी जंग से बचाया है। मैं अपने सुरक्षा बलों और सेना का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर भागने की जो बातें कही जा रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ देश से बाहर भेजा गया है। सुरक्षा अधिकारियों की सलाह के बाद ही मैंने ये कदम उठाया है क्योंकि मेरी मौजूदगी से वहाँ अनहोनी हो सकती थी। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर मैं नहीं भागता तो मुझे भी नजीबुल्लाह की तरह बिजली के खंभे से लटका देता तालिबान। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि मेरा भी वही हाल होता जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह का हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी बात कही गई
जैन की तरफ से क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या ये अपना बचाव कर रहे हैं दोस्तों या सही में कैश और कारें लेकर ये रवाना हुए हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर जो भी आपको अनुमान लगता हो। कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो बड़ा घोषणा किया गया है तालिबानियों की तरफ से अफगानिस्तान के नाम को लेकर। तालिबान ने कर दिया है अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, और कहा कि अब ये देश नहीं बनेगा लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दुखद भरी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर तालिबान के काबुल में घुसने और पूरे अफगानिस्तान पर प्रभाव जमाने के बाद अब संगठन ने देश की नीतियों से जुड़े फैसले लेना भी शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी कड़ी में देश की आजादी के 102 साल पूरे होने के मौके पर तालिबान नेतृत्व ने अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन का भी ऐलान किया है दोस्तों। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस्लामिक अमीरात सभी देशों से अच्छे राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते चाहता है। हमने अब तक किसी भी देश से व्यापार करने पर चर्चा नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, अब उसका नाम इस्लामिक अमीरात रख दिया गया है अफगानिस्तान का। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, लेकिन ऐसे में हम आपको साफ साफ बता दें कि कुछ देशों ने यानी कि ज्यादा से ज्यादा देशों ने दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान की इस सरकार का बिल्कुल स्वीकार्य नहीं किया है दोस्तों। उन्होंने तालिबान के इस सरकार का पूरी तरह से बॉयकॉट किया और कहा है कि हम तालिबान की सरकार को नहीं मानते हैं, कौन है तालिबान हम नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस नाम चेंज करने को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो पाकिस्तान से बड़ा धमाके की खबर आ रही है, जहां पर फिर सिया समुदाय को बनाया गया है निशाना। मुहर्रम जुलूस में बड़ा बम विस्फोट, 3 की मौत, 50 से ज्यादा लोग जख्मी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर शिया समुदाय को निशाना बनाया गया है। गुरुवार को मध्य पाकिस्तान में शिया समुदाय के धार्मिक जुलूस के दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है तो 50 से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस को घटनास्थल की ओर भागते देखा जा सकता है दोस्तों। सड़क पर जख्मी हालत में लोगों को मदद के लिए पुकारते भी देखा जा सकता है। ऐसे में बढ़ते अगली खबर की और, जहां पर तालिबानियों को लेकर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि तालिबान संकट के बीच भारत के लिए बढ़ गई है चुनौतियां। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आवश्यकता पर जोर देते हुए गुरुवार को कहा है कि दुनिया में बदलते भू राजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई हैं और जटिल हो गई हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि ऐसे समय पर जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत सहित कई देश चिंता में डूबी हुई हैं दोस्तों, ऐसे में राजनाथ सिंह ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो पाकिस्तान को अनदेखा नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, इमरान खान मंत्री ने शेखी बघारी है, तालिबान को अमेरिका से बातचीत के लिए हमने ही तैयार किया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने अफगानिस्तान में शांति सुनिश्चित करने में इस्लामाबाद की महत्वपूर्ण भूमिका का दावा करते हुए कहा है कि कोई भी देश पाकिस्तान को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अफगानिस्तान तालिबान को अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार किया है। अहमद ने बुधवार को कहा है कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अपनी ही बड़ाई पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और ये उनकी शुरुआती से ही आदत है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो तालिबान फिर बहाया अफगानिस्तान में खून। स्वतंत्रता दिवस पर तालिबान ने अफगानियों पर बड़ी फायरिंग कर दी है दोस्तों, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। बता दें गुरुवार को अफगानिस्तान के अहमदाबाद शहर में देश के स्वाधीनता दिवस के मौके पर रैली निकाल रहे लोगों पर तालिबान के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी दोस्तों, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही एक बार फिर ये साफ हो गया है कि तालिबान भले ही अपनी छवि सुधारने की कितनी भी कोशिश कर रहे, लेकिन अब भी खून खराबे से उसका लगाव बरकरार है। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक असदाबाद में अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ लोग रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान देश का झंडा फहराने वाले कुछ लोगों पर तालिबानी लड़ाकों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस फायरिंग में कितने लोगों की जाने गई है दोस्तों, ये जान गोली लगने से गई है या फिर भगदड़ की वजह से। जी हां दोस्तों, फिलहाल तालिबान की ओर से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि हर साल 19 अगस्त को अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों इस बार ये स्वतंत्रता दिवस
अफगानी नागरिकों के लिए काला दिवस के रूप में बनकर आया है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कही तालिबान को लेकर बड़ी बात। कहा तालिबान के समर्थकों को आनी चाहिए शर्म, वहाँ महिलाओं और बच्चों का हो रहा है कत्लेआम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों पर तीखा हमला किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें वहाँ की औरतों और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। माफियाओं की संपत्ति जब्त ही नहीं की है, ध्वस्त भी कर दी गई है। अब इन संपत्तियों पर गरीबों के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों जितने भी माफियाओं के जमीन हड़पी गई है और इलीगल जमीनों को सरकार ने अपने अधीन लिया है दोस्तों, और इन सब पर अब जो लोग असहाय हैं उन सभी लोगों के लिए मकान बनाया जाएगा दोस्तों, और ये मकान अलॉट उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। बड़ी जानकारी दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ा फैसला योगी जी का लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी अगर खुश है इनके फैसले से, कमेंट में योगी जी के बारे में दो बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और क्या लगता है आपको, क्या योगी जी बन पाएंगे अगले मुख्यमंत्री, हाँ या ना, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।